कहते कि आपका दिल में क्या है, और जो मैनिफेस्टो में भी क्या क्या बोले गए हैं जरा हमारा भी सुनना चाहते हैं, ज़रूर दूसरा मजहब का भी लोग देंगे। और जब आप ऐसा सो अब पैनल बाय पैनल विल गो हेड, आई विल नॉट टेक मच टाइम फ्रेंड्स, एंड विल बी इनवाइटिंग, एंड यू कैन वॉलंटियर योर सेल्फ ऑल्सो इफ वॉन्ट टू स्पीक। एंड जब पैनल के साथ साथ अपन भी इस सिलसिले में बात कर सकते हैं। मैं आई विल हैंड ओवर द माइक टू अनवर खान सर। एक आधा घंटा 40 मिनट चलाएंगे सर, अगर एक दो अगर दूसरा अपना भी फ्रेंड्स जो स्पीकर्स आए तो वो लोग भी मंच पे आप बुलाते हैं वन बाय वन, ये जारी रखेंगे सर। जो ऑलरेडी हैं प्रेजेंट हैं अवेलेबल हैं, यस हाँ बुला लेंगे विथ यूर आई गॉड्स रन 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 प्लीज। वी आर फॉर्चुनेट, सबसे पहले मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारे वेद कुमार साहब को कि उन्होंने रिवायत कायम रखी है कि रमज़ान के महीने में जहाँ मुस्लिम कम्युनिटी उपवास का एहतमाम करती है रोज़े का, उसका ख्याल करते हुए रोज़ाना यानी हर चर्चा में इफ्तार का भी जो है अरेंजमेंट ब्रेक जो है उसमें होता है, हमेशा इंतज़ाम भी होता है ब्रेक भी होता है, लेकिन रमज़ान के महीने में एक बार डिनर भी होता है, तो वो डिनर का मौका आज है। और ऐसे मौके पर उन्होंने बहुत ही अपनी सूझबूझ का सबूत दिया है कि यहाँ इस रियासत की तहरीक में या इसकी मूवमेंट में, नई रियासत तेलंगाना के सिलसिले में जो साथ रहा, तालमेल रहा मुस्लिम कम्युनिटी का, और फिर मुस्लिम कम्युनिटी की जो सूरत हाल है सोशियो पॉलिटिकल कल्चरल एजुकेशनल हर एतबार से, इसको न सिर्फ हमारी कम्युनिटी के, हमारी आई मीन्स इंडियन कम्युनिटी देन तेलंगाना कम्युनिटी, उनके साथ साथ हमारे जो स्टेट है यानी भारत, भारत सरकार की जानिब से टाइम एंड अगेन जो डिफरेंट कमीशन्स को बनाया गया कि कम्युनिटी की सूरत हाल को जांचा जाए और इसके जो सच्चाई है हकीकत है वो समाज के सामने लाया जाए, और फिर हुकूमत के सामने यानी गवर्नमेंट के सामने उसके लिए कुछ लाए अमल, उसके लिए कुछ एक्शन प्लान उसके लिए सामने आए। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा हम नाम लेते हैं सच्चर कमीशन और रंगनाथ मिश्रा कमेटी, गोपाल सिंह कमेटी, डिफरेंट कमेटीज़, ये सब गवर्नमेंट के कायम करदा कमेटीज़ हैं, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक बहुत सारी बातें, बहुत सारा चर्चा, बहुत सारा मटेरियल हमारे दरमियान में आया है। लेकिन खुशी की बात यह है कि जो लीड ऑर्गेनाइजेशन इस मूवमेंट में रही सेपरेट स्टेट के हासिल करने के सिलसिले में, वो टीआरएस की जानिब से इलेक्शन से पहले उन्होंने अपना जो मंशूर बनाया, उन्होंने अपना जो मैनिफेस्टो बनाया, उस मैनिफेस्टो में किसी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से या किसी इंडिविजुअल की जानिब से बिना पूछे के, बिना जो है सवाल करे के, बिना उनको तवज्जो दिलाए के, उन्होंने ख़ुद अपनी जानिब से पहले से उन्होंने डिक्लेयर किया कि इस कम्युनिटी की जो सूरत हाल है यहाँ पर सोशियो एजुकेशनल पॉलिटिकल कल्चरल इकोनॉमिकल, इस एतबार से अगर इसको ऑन पार विद टोटल तेलंगाना कम्युनिटी के साथ बनाना है तो इसके लिए रिजर्वेशंस बहुत ज़रूरी है। लिहाजा उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 12% यानी 12% देने का उन्होंने ख़ुद ऑफ़र किया है।
टीआरएस ने, और फिर खुशकिस्मती यह है कि इसको बहुत सारी कम्युनिटी ने, तेलंगाना की कम्युनिटी ने इसका स्वागत किया उनके इस डिसीजन का, और फिर उसका नतीजा हम देखते हैं कि थंपिंग मेजॉरिटी से इस पार्टी को लोगों ने हुकूमत की गद्दी तक पहुंचाया। अब पहुंचाने के बाद एक साल का अरसा हो गया और दूसरा साल शुरू हो गया, ये तवक्को की जा रही थी कि शायद डिफरेंट जो पॉलिसीज़ प्रोग्राम्स का ऐलान हो रहा है अभी इस हुकूमत की जानिब से 12% के सिलसिले में भी कुछ ऐलान होगा। अब ये तशवीश जब ज़्यादा बढ़ गई, यानी कंसर्न जब ज़्यादा बढ़ गया कम्युनिटी का, मुस्लिम कम्युनिटी वन साइड और टोटल कम्युनिटी, लार्ज कम्युनिटी हमारी तेलंगाना कम्युनिटी की ऑन दी अदर साइड, जबकि ये ऐलान हुआ कि बहुत जल्द तकरीबन 45,000 to 50,000 जो है एम्प्लॉयमेंट जो है उसका डिक्लेरेशन होगा, उसको कंप्लीट किया जाएगा, तो ऐसे में लोगों में फिक्र हुई, कंसर्न हुआ कि फिर क्या होगा जब ये एम्प्लॉयमेंट एक मरतबा आ गया, अभी 10-15 साल के बाद आ रहा है ये, एक मरतबा जब आ गया, अब इसके अभी ये पॉलिसी डिक्लेयर नहीं हुई है 12% रिजर्वेशन की, तो ज़ाहिर है विदाउट ये पॉलिसी के जो है ये ख़त्म हो गया, फॉर्मेलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगे, तो ज़ाहिर है कि किसी को भी कुछ नहीं मिलेगा इसमें, फिर वो मायूसी आ जाएगी इस कम्युनिटी के अंदर। लिहाजा अब देखेंगे कि आप लीड लेने वालों में सबसे ज़्यादा हमारे पास हर एक पेश है मुस्लिम कम्युनिटी के साथ साथ गैर मुस्लिम भी यहाँ की कम्युनिटी की जानिब से, कि एक मूवमेंट की शक्ल आज आ गई है। चुनांचे लास्ट फ्राइडे नलगुंडे में ऑल, यानी क्या कहेंगे, ऑल एसोसिएशन जैक की तरफ से एक बहुत बड़ी रैली जुमा कांग्रीगेशन के बाद निकाला गया, बहुत बड़ा, नलगुंडे की जो है तारीख में अब तक जो है उतना बड़ा जो है वो रैली नहीं निकली, यानी ऑल जो है क्या एसोसिएशन की जानिब से, माइनॉरिटी एसोसिएशन की जानिब से कंबाइंड रैली निकाली गई। तो इससे पहले शायद लास्ट मंथ 8th को हनीफ साहब जो लीड लिए महबूब नगर से वो आ गए हैं, हम उनका भी यहाँ पर इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं, मैं बुलाऊंगा हमारे हनीफ साहब को भी यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, डैश पर तशरीफ़ लाएँ, महबूब नगर से यंग युवा लीडर हैं ये, बहुत ही एक्टिव जो है पार्टिसिपेट करते हैं। उसी तरीके से आप सबकी जानी पहचानी हस्ती और टीआरसी से भी बहुत ज़्यादा जिनका ताल्लुक रहा है, इसी मंच से यहाँ डयास से कई मरतबा कई इश्यूज़ पर डिस्कस कर चुके हैं खालिद रसूल खान साहब, वो भी आ गए हैं, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो भी डयास पर तशरीफ़ लाएँ यहाँ पर। तो इस तरीके से इस कंसर्न को अटेंड करने का, एड्रेस करने का एक सही मौका वेद कुमार साहब ने आज चर्चा 181 को लिया है, मैं इसके लिए फिर एक मरतबा मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, और बहुत सारे लोग हैं और भी आएंगे, उनसे भी हम सुनेंगे, पहले की तरह ना होकर थोड़ा सा आज का चर्चा ज़रा सा थोड़ा सा अलग होगा, कि लिमिटेड 3-4 लोग हमेशा पार्टिसिपेट करते रहे हैं, ये और बात है ऑडियंस में भी जो है उसमें शरीक हुए हैं, आज के इसमें बहुत सारे लोग, उम्मीद है इफ्तार के टाइम तक बहुत सारे लोग पाँच पाँच मिनट के लिए जो है वो हिस्सा लेंगे, बुलेट की शक्ल में अपनी बातों को सामने रखेंगे कि किस तरह मुमकिन है, एक जानिब ऐलान हुआ है, दूसरी जानिब उम्मीदें हैं, समाज की उम्मीदें हैं, मुस्लिम कम्युनिटी की उम्मीद हैं, लेकिन हाउ टू इम्प्लीमेंट, इसलिए फिर एक मरतबा मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने आज शुरुआत की है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 12% रिजर्वेशन से, तो ज़ाहिर है कि इम्प्लीमेंट करना अहम बात है। मैं अगर प्रोसीडिंग्स लास्ट जो सेमिनार हुआ था प्रेस क्लब में, अगर उसको मैं यहाँ पेश करूँ तो फिर एक घंटा लग जाएगा, मैं यहीं पर इसको मैं रोकते हुए सबसे पहले हमारे दरमियान अगरचे के एक तासुर मिल सकता है, एक इम्प्रेशन जा सकता है कि सिंस इट इज़ रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर कम्युनिटी, देयरफॉर कम्युनिटी के लोगों को ही कंसर्न होगा इससे, ऐसा नहीं है, खुद टीआरसी जब इसको ली है तो इससे अंदाज़ा होता है कि सो टोटल जो है तेलंगाना कम्युनिटी का ये कंसर्न है, और साथ ही साथ सारे लोग इसमें शरीक रहेंगे, लेकिन वेद भाई का ये है कि ख़ास तौर पर ये मुस्लिम कम्युनिटी को जो है मौका दिया जाए, आज इनको बोलने का मौका दिया जाए, लेकिन इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट के साथ उन्होंने इजाज़त दी है इसकी कि नॉट ओनली मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स All will participate in this discussion, today's discussion. So, first of all,
मैं हमारे अच्छी बात है, तो हम शुरू करते हैं अपनी सीधी जानिब से शोला बयान और एक खदीम कोहनामश्क एक्टिविस्ट तेलंगाना के लिए क्या कहना है, जान और जान से भी और कुछ अगर हो तो निछावर करने के लिए, सैक्रिफाइस करने के लिए हर पल तैयार रहने वाला मुजाहिद वो है हमारे मोहतरम सनाउल्ला भाई। सनाउल्ला भाई से हम शुरू करेंगे, सनाउल्ला भाई अपने ख्यालात का इजहार करें इस मौजू पर। अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले वेदा कुमार साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने टीआरसी चर्चा के ज़रिए तेलंगाना तहरीक में एक नई जान फूंकी। तेलंगाना के साथ होने वाली हर नाइंसाफी को हर हफ्ते टीआरसी चर्चा में रख के उसके ज़रिए पूरे अखबारात में उसकी तशरी करते हुए उन्होंने एक इनकलाब बरपा करा और आहिस्ता आहिस्ता आप देखे कि हालात बनते गए और तेलंगाना बन गया। तो टीआरसी चर्चा में कोई इशू को लेकर काम होता है तो वो कामयाब होता है। तो मैं वेद कुमार साहब को दोबारा मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने 12% का टीआरसी चर्चा से शुरू करा, यानी कि उसकी कामयाबी की एक सीढ़ी हम चढ़ गए। जहाँ तक 12% मुसलमानों के तहफ़ुज का सवाल है, ये आप लोग पिछले 60-62 साल में हमारे अपने रियासत में जो हुकूमत थी, हुकूमत 1956 में जब आंध्रा वाले यहाँ पर हाबिज हुए यानी कि हुकूमत बनाए, उस वक्त सरकारी मुलाजिमत में मुसलमानों का तहफ़ुज 33.5% था और उससे हटकर भी एजुकेशन के मामले में उस्मानिया यूनिवर्सिटीज़ हो या निज़ाम कॉलेजेस हो या जितने भी कॉलेजेस में मुसलमान का परसेंटेज काफ़ी अच्छा था, 50-45% ऐसा हर कॉलेज में हर यूनिवर्सिटी में था। तो एक अच्छा मुकाम रखने वाली कौम पिछले 60 साल में हर शुबे में 1% भी नहीं है। सरकारी मुलाजिमत में आज तेलंगाना के अंदर आपको क्या कि मुसलमान 1% नहीं मिलेंगे आपको। सेम उसी तरह से आप यूनिवर्सिटीज़ में भी अगर मुसलमान की तादाद देखेंगे तो वहाँ पर भी मुसलमान की तादाद आपको 2-2.5% से ज़्यादा नहीं है। तो ये हालात जो पैदा हुए थे आंध्रा वालों ने यहाँ पर हुक्मरानी करने के लिए जो खाबिजाना नज़रिया रखते हुए जो कौम तरक्की याफ्ता है उनको बैकवर्ड बनाया, तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर तेलंगाना में किसी को हुआ है तो मुसलमान का हुआ। एससी है हमारे पास, एसटी से, बीसी से, इन लोग को कुछ परसेंट रिजर्वेशन है, तो कुछ परसेंट रिजर्वेशन से उन लोगों की आबादी के हिसाब से उनको उतना फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन कुछ फ़ायदा हुआ। आज़ादी के बाद एससी को हो या एसटी को हो या बीसी को हो, किसी हद तक कुछ फ़ायदा हुआ। मुसलमान को सिर्फ वन साइड नुकसान ही होता रहा। पूरी 62 साल तारीख में मुसलमानों का हर शुबे में उनके साथ नाइंसाफी होती रही और उनका नुकसान होते रहा। चलो आंध्रा वाले यहाँ पर हुक्मरानी करे, वो लोग जैसा भी करना था करे, काबिज हुए, डाकू बने, लूटे, हमको तबाह करे, अपनी जगह ठीक रहा। उसी वक्त जब तेलंगाना तहरीक चल रही थी तो ऐसे कई मुतालबात साथ साथ आ रहे थे। अभी हमारे अनवर खान साहब बोले थे कि एक तेलंगाना तहरीक में केसीआर साहब का एक बहुत बड़ा रूल था उनकी पार्टी का। तेलंगाना तहरीक का रूल केसीआर साहब का नहीं था, तेलंगाना तहरीक तो स्टूडेंट्स और एम्प्लॉइज, एडवोकेट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, ये लोग पूरा मिलकर फाइट करे। उनका भी एक क्या कि पॉलिटिकल रूप था एक छोटा सा, क्योंकि उनका पॉलिटिकल रूल था तो उनको हुकूमत दी है। अब उन्होंने हुकूमत बनाने के बाद में आंध्रा वालों से बदतर नजरियात से काम करेंगे बोल के कोई सोचा नहीं था। खैर छोड़ो, 4 दिन है उन्होंने कहा, आज नहीं तो कल उनको भी इसका सबक मिलता। तो मुसलमानों की जब यह हालत हो गई
जब उनके साथ तमाम शुभों में नाइंसाफी हुई तब जाकर एक आवाज उठी कि भाई मुसलमानों को भी रिजर्वेशन देना चाहिए। 12% आबादी के हिसाब से यहाँ की इकोनॉमिक जो मुसलमानों की सर्वे की रिपोर्ट है उसके हिसाब से 12% देने का खुद मुतालबा हुआ और ये मुतालबे को खुद हमारे आज के चीफ मिनिस्टर ये आज से 2 साल पहले ही उन्होंने वादा भी करे ऐलान भी करे कि हमारे हम जब हुकूमत बनाएंगे तो सबसे पहले मुसलमानों को 12% तहफ़ुज़ात देंगे। फिर उसके बाद उनके पार्टी के एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर महमूद अली साहब वो तो मैं समझता हूँ कम से कम 150 जगहों पे मन को सुनो, तेलंगाना बनने से पहले 75 और तेलंगाना बनने के बाद में 75 मीटिंगों में वो एक ही बात बोलते थे कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब मुसलमानों को 12% तहफ़ुज़ात देने के वादे के पाबंद है और वो खुद जो वादा करते वो पहले अमल करते। फिर वो 12% की बात आई तो कुछ तकनीकी वजूहत के बिना पे रुके हुए। तो हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि वो ये सब तकनीकी या सियासी बातें या तमाम चीज़ों को बाजू रखते हुए फौरी जंगजू खतूत के ऊपर मुसलमानों को 12% तहफ़ुज़ात के लिए ऐलान करें और उसके ऊपर कह के अमल आवरी कराए। क्योंकि अब अगर सरकारी मुलाजिमत का हमारे पास चल रहा कि सरकारी मुलाजिमत हम पूरों को गवर्नमेंट देने वाली है बेरोजगारों को, अगर सरकारी मुलाजिमत का मौका हाथ से चलेगा तो तुम्हारा रिजर्वेशन हमारे लिए बेमकसद होकर रह जाता। उसी तरीके से एजुकेशन में आप क्या कि एडमिशन चल रहे हैं, अगर आप अगर हमको अपकर रिजर्वेशन दे रहे हैं तो हमारे लिए बहुत सारा फायदा है, अगर नहीं तो एक आज एजुकेशन हो जाएगा तो बच्चों का एक साल हमारा ख़राब हो जाएगा अगर आप रिजर्वेशन नहीं देंगे तो। तो ये तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रख के और अब वक्त जो कम से कम है इसको पॉइंट करते हुए हम हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं कि वो फौरी 12% का ऐलान करें और उसके ऊपर इमीडिएट अमलावरी के लिए कोशिश करें, वरना आप अगर जितना टाइम ज़्यादा लेंगे उतना हमारा नुकसान होते जाएगा। और अब क्योंकि तेलंगाना की आवाम चाहे वो मुस्लिम हो और SC हो ST हो BC हो ये तमाम लोग क्या कि ताज़े ताज़े फाइट करे हुए, फाइटिंग का इस वक्त अच्छा जज्बा है हमारे में, अगर आप देर करते जाएंगे तो हमारा जज्बा और बढ़ते जाएगा। फिर वो हालात एक आंधा वालों को भगाने के थे फिर कल ये हुकूमत को गिराने के वास्ते पैदा होंगे, तो ऐसे हालात पैदा नहीं होने देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि हमारे तेलंगाना स्टेट की तक बात करूँ मैं, तेलंगाना स्टेट के अंदर तमाम तबकात का ये मुतालबा है कि मुसलमानों को 12% तहफ़ुज़ात देना चाहिए। ये खाली मुसलमानों का नहीं है, जीती जागती मिसाल आज हमारे वेद कुमार साहब है, आप क्या कि चर्चे को ही क्या कि 12% तहफ़ुज़ात के लिए बोल के बना के वो करे। तो इसी तरीके से तेलंगाना के हर मजहब के लोग ये पूरों का मुतालबा है कि मुस्लिम को क्या कि 12% तहफ़ुज़ात मिलना चाहिए। तो यकीन है ना जब इतनी पूरी आवाम एक मुत्तहिद होकर किसी चीज़ की मांग करे तो वो हमको यकीन मिलेगा। हम उम्मीद भी रखते हैं कि वक्त से पहले हमको क्या कि हमारे मुतालबात को कबूल किया जाएगा और तेलंगाना बनेगा वो 12% मुसलमानों को तहफ़ुज़ात मिलेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।